डॉक्टर अरफा सजादिन पश्चिम बंगाल की 25 वर्षीय डॉक्टर है। वह गर्भवती थी और जल्द ही उनकी डिलीवरी होने वाली थी, तभी वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। डॉक्टरों को लगा कि कोरोना संक्रमण के कारण उनके आजाद बच्चे को खतरा होगा, इसलिए उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी की। माँ और बच्चे को अलग रखा गया। डिलीवरी के 3 दिन बाद डॉक्टर अरफा की तबीयत बिगड़ती गई। उनके ऑक्सीजन का स्तर में भी काफ़ी गिरावट आई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनका एक नवजात शिशु था, इसलिए साथी डॉक्टरों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। वे नियमित उन्हें वीडियो कॉल पर बच्चे को दिखाते थे और वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करती रही। 10 दिनों के बाद उनकी तबीयत बेहतर हुई। बच्चे को गोद में लेते ही वह रो पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रसव के बाद वह अपने बच्चे से अलग हो गई थी और उनकी गंभीर स्थिति के कारण कभी गोद में नहीं ली पाई थी। 10 दिन बाद वह बच्चे से मिली और वह रो पड़ी। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में डॉक्टर बच्चे को पकड़कर रोते हुए दिखाई दे रही है। उनके परिवार को उन डॉक्टरों का धन्यवाद देते हुए सुना जा सकता है जिन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ उनकी जान बचाई। डॉक्टर अरफा की तरह कई डॉक्टर कोरोना रोगियों के इलाज के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनमें से कई डॉक्टर संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि दूसरी लहर के दौरान 640 से अधिक डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई।